थाली दिखा दो, एक बार थाली दिखा दो, ऊपर करके सब थाली दिखा दो। देखिए देखिए, थाली घर से लाना पड़ता है, परिवार में कौन है मैडम? खाना बढ़िया मिलता है यहाँ? खाना नहीं मिलता है। देखिए खाना देता है थोड़ा सा, हाँ पेट भी नहीं भरता है खाते हैं तो। थोड़ा सा पेट भी नहीं भरता है, दाल पतला रहता है। अच्छा कंप्लेन भी है कि जाते हैं रोज टिफिन में घर थाली लाने, अगर धक्का लग गया रोड पे हाईवे है तो सरकार पैसा देगा? सीधा सवाल है। ग्लोब ग्लोब का हालत देखिए क्या हो गया, हालत इसका पूरा खराब हो गया, ऐसा स्थिति है। बच्चा इसे क्या पढ़ेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए, खाली देखिए पानी की तरह देख लीजिए आप, यही यही बन रहा है, यही बन रहा है। देखिए इसी से होता है कि बच्चों को बीमारी, देख लीजिए आपको। अब हम क्लासरूम का स्थिति दिखाते हैं, क्लासरूम का स्थिति देखिए, देखिए ये है क्लासरूम यहाँ का। सारे थाली घर से ला के खाना खाते हैं, ये स्थिति है इस स्कूल का, ये स्थिति है इस स्कूल का। जंगल हो गया, बाथरूम में जंगल हो गया है। बाथरूम गंदा है ना, दिखाओ उधर, बाथरूम गंदा है ना, सब बोलो। आप शिक्षक स्कूल के, आप अभी कौन सा कक्षा चल रहा है? अभी आपका कौन सा पीरियड चल रहा है? अभी टिफिन हुआ है। अभी टिफिन हुआ है, ये बताइए सर, ये एक बात बताइए पहले, आप ड्यूटी के टाइम पे गुटखा खाइएगा? गुटखा कहाँ खाएंगे, गुटखा ही तो खाए हैं। नहीं नहीं खाए हैं, कहाँ? ये बताइए सर, स्थिति यही रहेगा स्कूल का? ये बताइए, गेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाना खाने के लिए आया है। खाना खाने के लिए? हाँ सर, खाना। ये खाना खाने के लिए थाली घर से मंगवाते हैं आप? तो नहीं है थाली तो, स्कूल में थाली नहीं है, पैसा नहीं मिलता थाली के लिए। अब तो हेडमास्टर, हेडमास्टर सर कहाँ है बताइए? परिवार में कौन है? हाँ जी हाँ जी, परिवार में जो उनसे बात करिए पहले, परिवार में जो है पहले उनसे हम बात करेंगे। खाना बढ़िया मिलता है? नहीं नहीं। दिखा दिखा इधर, खाना बढ़िया मिलता है? नहीं। थाली घर से लाना पड़ता है? हाँ। थाली दिखा दो, एक बार थाली दिखा दो, ऊपर करके सब थाली दिखा दो। देखिए देखिए, थाली घर से लाना पड़ता है, परिवार में कौन है मैडम? अभी परिवार में कौन है? आप ही हैं जी। ये बताइए, बच्चा थाली घर से लाएगा? थाली घर से लाया, आया नहीं है अभी सर। अच्छा मिलता नहीं है, थाली नीचे कर लो, मिलता नहीं है। आई बैने क्या पैसा सर? हाँ पैसा नहीं आया है तो थाली अब घर से मंगवाइएगा? तो क्या करेंगे हम लोग सर, पैसा नहीं आया है? नहीं पैसा तो अभी नहीं आया था सर। डीओ साहब के कभी कभी कम्प्लेन किए? डीओ साहब के पास लिख के दिए हैं, लिख के दिए हैं। खाना बढ़िया मिलता है यहाँ? नहीं मिलता है। देखिए सुनिए सर, जाके देख लीजिए, खाना मिलता है बढ़िया? देखिए नहीं, सीधा बात है नहीं। खाना जाके देख लीजिए सर, देख लीजिए खाना भी। क्या क्या प्रॉब्लम खाना में, छोटू बताओ, कोई बताओ, तेज है ये बताएगा, तेज है बताएगा ये, बताओ क्या 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 प्रॉब्लम है खाना? तुम बोलो, तुम बहुत तेज है। हम है खाना देता है थोड़ा सा, हाँ पेट भी नहीं भरता है खाते हैं तो। थोड़ा सा पेट भी नहीं भरता है, दाल पतला रहता है, पानी देता है तब भगा देता है, मांगनी देता है कुछ देता है हम देंगे। देखिए मांगने आता है बच्चा तो भगा, आधा पेट खाना क्यों देते हैं? जितना चावल उसका होगा उसी सर ना देंगे। क्या नाम है आपका मैडम? मीरा देवी। कुमारी मीरा सिन्हा। कुमारी मीरा सिन्हा जी। अच्छा ये बताइए कौन सा जगह है ये? महेशपुर है सर। महेशपुर का ये कौन सा विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय? नहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेशपुर में अभी हम और मैडम यहाँ पे अभी परिवार में है। अब बच्चों का साफ साफ कम्प्लेन है की खाना नहीं मिलता है। मेरा घर महेशपुर, वहाँ पे जाते हैं थाली ना नहीं, यहाँ से जाते हैं वहाँ थाली टिफिन में। देख लीजिए बच्चा का कम्प्लेन है कि इसका घर है महेशपुर, घर से थाली ला के तब खाना खाता है। बड़ी महेशपुर छोटी महेशपुर, बड़ी महेशपुर जाते हैं छोटी महेशपुर थाली ना। कितना किलोमीटर है? यही सड़क से वो पार है, वहाँ पर बजरंग बली। एक किलोमीटर? नहीं सर वहाँ पर। कितना दूर है? आधा दूर है। देख लीजिए आधा किलोमीटर बच्चा कर रहा है, आधा किलोमीटर यही है। तो एक बात बताइए जी, बोलिए। दो कदम है बच्चा थाली ला घर से खाना खाकर रोज टिफिन में, हम क्या बताएंगे पैसा देगा सर? क्या जाते हैं धक्का लग गया जाएगा पैसा देगा? देखिए बच्चा का कंप्लेन भी है कि जाते हैं रोज टिफिन में घर थाली लाने, अगर धक्का लग गया रोड पे हाईवे है तो सरकार पैसा देगा? सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। सही बोल रहा है, सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इधर आओ। क्या दिक्कत है बताओ? स्कूल में अभी पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है मैडम, काहे नहीं मिलता है? अभी अब हम क्या बताएं, उसका प्रभारी ना बताएंगे सर। परिवार में भी आप हैं मैडम? हाँ भी नहीं सर हम। नहीं बच्चा कंप्लेन, स्कूल में पैसा भी नहीं मिलता है, पैसा स्कूल में नहीं मिलता है। अभी आया आठवां में, लेकिन एको बार पैसा नहीं मिला है। एको बार नहीं मिला? नहीं मिला है। ड्रेस मिलता है? ड्रेस मिल गया, लेकिन घर से पैसा मिला करके किने हैं। ऑफिस है मैडम?
ये ऑफिस है ये? जी सर। क्या है ये? ऑफिस है सर। अभी ऑफिस में है जी। तो ऑफिस में अनाज रखा जाता है मैडम? जगह नहीं नहीं सर, जगह नहीं है। कंप्लेन कहीं नहीं करते? हाँ कंप्लेन हो गया सर। अब पैसा आएगा बनने के लिए? पैसा आएगा बनने के लिए जी। देख लीजिए ये ऑफिस का स्थिति है, ऑफिस का स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पे नीचे पूरा बोरा रखा गया है, अलमीरा टूटा हुआ है। ये देखिए ग्लोब का हालत देखिए आप, ये देखिए ये है ग्लोब, ग्लोब का हालत देखिए क्या हो गया, हालत इसका पूरा खराब हो गया। ऐसा स्थिति है, बच्चा इसे क्या पढ़ेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए गद्दा उद्दा पूरा फेंका हुआ है। ऑफिस का ये स्थिति आप देख सकते हैं, ऑफिस का स्थिति। यहाँ पे देखिए अनाज ऑफिस में रखा गया, बाकी रसोईया में आपको दिखाएंगे। आ जाइए आपको रसोईया में दिखाते हैं। रसोई मैडम दिखाइए आप, रसोई रसोई दिखाइए आप। ये रसोई घर है, क्या क्या बना मैडम, क्या क्या बना है? पुलाव। पुलाव और छोले। पुलाव और छोले एक बार निकाल के जरा दिखाइए, थोड़ा सा निकाल के दिखाइए एक बार। पुलाव और छोले कैसा बना है निकाल के दिखाइए कलछुल से। यही यही है, इसमें मसाला है थोड़ा सा भी। एक बार लाइए लाइए हम दिखाते हैं, लाइए लाइए हम दिखाते हैं, छोड़िए ना हम दिखाते हैं। इस पे रखिए, इस पे रखिए। नहीं नहीं यहाँ डालिए, देख लीजिए यहाँ यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए खाली देखिए पानी की तरह देख लीजिए आप। यही यही बन रहा है, यही बन रहा है। देखिए इसी से होता है कि बच्चों को बीमारी पकड़ता है और बच्चों का भविष्य के साथ खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ मिली भगत है, यहाँ से जो है ना पैसा बस लूटा जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। मैडम सही बात है ना, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। घर में ऐसा खाना बनाते हैं आप? घर में ऐसा खाना बनाते हैं? सुनिए ना सर, सुनियो घर में ऐसा खाना? सुनिए ना सर। हाँ सुन रहे हैं। अभी उसमें जो पानी डला है खदके का तब ना सर, हम अंदर से निकाले मैडम खदके का तब ना पानी मिलेगा बेसन पर। मतलब आप लोग सिखा रहे हैं हमको? आप हम लोग सर हम कैसे सिखाएंगे? सिखा रहे हैं आप? नहीं हम ये सब नहीं सिखाते हैं। बच्चा का 100% शिकायत है खाना खराब बन रहा है, एकदम बिल्कुल रद्दी बन रहा है। देख लीजिए ये स्कूल का ये स्थिति है। बाकी आइए आप दिखाते हैं आपको। कोई घुसेगा ना? ऐसा बार रहो, देख लीजिए आपको। अब हम क्लासरूम का स्थिति दिखाते हैं, क्लासरूम का स्थिति देखिए। देखिए ये है क्लासरूम, यहाँ का क्लासरूम में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए कोयला क्लासरूम में रखा गया, बाकी बेंच टूटा फूटा है, ब्लैक बोर्ड देखिए न जाने कब से बंद है, खंडर के तरह लगता है कि आदम जमाना का ही बना हुआ है। बाकी यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्थिति खराब है। ऐसा ऐसा भी विद्यालय है, विद्यालय में देखिए यहाँ क्या क्या है, पूरा कचरा भरा हुआ है। यहाँ देखिए कोने में लगभग सालों साल से यहाँ पे ईंट पूरा फेंका गया, यही है विद्यालय, विद्यालय का क्लासरूम है। आप बताइए कमेंट करके कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना खराब है, आप बताइए कमेंट करके। हाँ हम 8 क्लास में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है। अच्छा आप 8 क्लास में हो चुके हैं, अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप कभी कंप्लेन करते हैं प्रिंसिपल सर को? नहीं। हाँ? नहीं। पिटाई किया जाता है यहाँ पे? हाँ। मारने लगते हैं? जी सर खूब मारता है। कुछ नहीं करता है जो हेड है, कुछ नहीं करता है। बच्चों का शिकायत है कंप्लेन करने पर मारा जाता है, पढ़ाई नहीं होता उसके लिए बच्चे कंप्लेन करते हैं तो मारा जाता है। ये बच्चे का कंप्लेन है, क्लास 8 में पढ़ता है, ऐसा कंप्लेन है कि पढ़ाई नहीं होता और मारा जाता है। और हेड सर के पास कंप्लेन करने के बाद सर और सर नीचे में बैठते हैं हम लोग। अच्छा नीचे में बैठते हैं, देख लीजिए एक शिकायत ये भी है कि नीचे में बैठते हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। अच्छा ये बताओ सब मिलकर ये बताओ स्कूल का स्थिति खराब है कि बढ़िया है? देख लीजिए 100% सहमति मिल रहा है कि स्कूल का स्थिति बहुत ही एकदम नाजुक, एकदम पूरा खराब है। आप देख लीजिए सारे बच्चे थाली घर से लाके खाना खाते हैं। थाली देखो एक बार, आते जाओ थाली देखिए आप, बच्चे सारे थाली घर से लाके खाना खाते हैं। ये स्थिति है इस स्कूल का, ये स्थिति है इस स्कूल का। बाकी और हम बच्चों से बात करेंगे, बाकी बच्चों से हम बात करेंगे। छोटू खाना बढ़िया मिलता है? खाना बढ़िया मिलता है? यहाँ दिखाओ खाना बढ़िया मिलता है? नहीं नहीं सर। देखिए सबका कहना है खाना बढ़िया नहीं मिलता है। बाथरूम में ताला लगा है? आ जाओ। ये देखिए आपको आने दीजिए, कैमरा मैन को आने दीजिए। तुम लोग भीड़ लगाओ, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, भीड़ लगाओ। अरे हाँ तुम तेजी में सब दिखाएंगे। ये देखिए आपको हम इस स्कूल का चापाकल का स्थिति दिखा रहे हैं। चापाकल देखिए सबसे पहले देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, इतना गंदा ज़्यादा गंदा में देखिए गंदगी फैलेगा नहीं, बीमारी फैलेगा नहीं, सारे बच्चे का कंप्लेन है। अब यहाँ दिखाइए आप, यहाँ पे दिखाइए बाथरूम में देखिए, अब ताला बंद है, बाथरूम में ताला बंद है, देखिए ताला बंद है बाथरूम में। ये
भी बाथरूम दिखाइए, एक बाथरूम मात्र यहाँ खुला हुआ, बाकी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, बाथरूम का स्थिति यहाँ देखिए, बाथरूम में जंगल हो गया, बाथरूम में जंगल हो गया है, बाथरूम गंदा है ना, दिखाओ उधर, बाथरूम गंदा है ना, सब बोलो, बाथरूम देखिए गंदा है, बाथरूम गंदा है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये बताओ बाथरूम में, बाथरूम में दिक्कत होता है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छोटू बहुत तेज है पढ़ने में, थाली लेके पढ़ने आता है, थाली पढ़ के आते हैं, हटो इधर, दिखेगा वो वहाँ से ना। ये बताओ बाथरूम करने में दिक्कत होता है? टॉयलेट कहाँ जाता है? टॉयलेट बाहर जाते हैं, बाहर जाता है, यहाँ कोई नहीं करता है, अगर अगर लेटरिन लग गया तो कहाँ जाएगा? घर जाएगा, तब पढ़ते पढ़ते लग गया घर चल जाएगा। देख लीजिए ये स्थिति है बिहार का, ये स्थिति है बिहार का, पढ़ते पढ़ते अगर लेटरिन लग गया तो घर जाएगा, यहाँ नहीं व्यवस्था है।